आपको बता दें सबसे पहले कि EWS जो कि इकोनॉमिकल बिकस सेक्शन है हिमाचल में, उसका सर्टिफिकेट कहाँ और कैसे बनाया जाएगा उसकी जानकारी आपको मिलेगी। उसके साथ ही EWS का सर्टिफिकेट किसका बनेगा ये भी जरूरी है दोस्तों। ये सभी जनरल कैंडिडेट का सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, जैसे कि आप सोच रहे हैं कि अगर आप जनरल कैंडिडेट हो और आप ये सर्टिफिकेट बना लें तो ये सर्टिफिकेट सबका नहीं बनेगा, किसका बनेगा उसकी भी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। उसके साथ ही हिमाचल में जनरल वर्ग के लिए EWS का सर्टिफिकेट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, क्या भी किसकी ज़रूरत पड़ेगी वो भी जानना आपको ज़रूरी है क्योंकि इसको अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले दोस्तों EWS का सर्टिफिकेट किसका बनेगा, अब सबसे महत्वपूर्ण वो है कि कौन कौन से जनरल कैंडिडेट इसमें आएंगे। तो इसमें जो हिमाचल प्रदेश की जो सीमा है आय की, मैक्सिमम आय की सीमा है 4 लाख से कम होनी चाहिए, और जो इनकम है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपकी इनकम देखेंगे, इसमें फैमिली इनकम बताया, जैसे कि अगर आप पेरेंट्स के साथ हैं तो आपके पेरेंट्स में आपके मदर फादर और आपकी इनकम का जो टोटल है वो 4 लाख से कम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी इनकम 4 लाख से कम है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, तो आप एलिजिबल नहीं हो। इसमें आपकी पूरी फैमिली की इनकम काउंट होगी सबसे पहली, और उसके बाद अगर आपके पास एग्रीकल्चर लैंड है यानी कि कृषि योग्य जमीन है उसमें 5 एकड़ से कम होनी चाहिए जो जमीन है आपकी, अगर उससे ज़्यादा है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। उसके साथ ही आपका घर 1,000 स्क्वायर फीट से कम जगह पर होना चाहिए। अगर आपका घर इससे बड़ी जगह पे है यानी कि 1,000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा की जगह पे बना है तो इसमें आप एलिजिबल नहीं है, आप इसका सर्टिफिकेट का बेनिफिट नहीं ले सकते हो। और दोस्तों EWS का सर्टिफिकेट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए अब जरूरी है, अगर आप इसमें एलिजिबल हो, पहली 3 कंडीशनें सेटिस्फाई करते हो, इनकम की, एग्रीकल्चर लैंड की और आपके जो मकान की जमीन की, उसके बाद आपको क्या क्या चाहिए। इसके लिए आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए और इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। दोस्तों आधार कार्ड, पैन कार्ड और इनकम सर्टिफिकेट आपको जो भी पंचायत का प्रधान रहता है उससे आपको एक फॉर्म फिल करके ये सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है तहसील में जाके, आय प्रमाण पत्र, इसको इनकम सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। इसकी जानकारी भी आपको अभी दे दी गई है। अब इसके बाद EWS का सर्टिफिकेट कहाँ और कैसे बनेगा दोस्तों, अब आपने आपके पास सर्टिफिकेट भी मतलब कि सभी चीज़ें हैं तो आप कहाँ पे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले ये जो EWS है, इकोनॉमिकल बिकस सेक्शन का सर्टिफिकेट है, वो आपकी तहसील में बनेगा, आपकी जहाँ पे आप बोनाफाइड हिमाचली या कोई भी सर्टिफिकेट बनाते हो, जैसे कि आप अपनी कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनाते हैं या कोई भी सर्टिफिकेट बनाते हैं वहाँ पे ये सर्टिफिकेट बनेगा। अभी यह सर्टिफिकेट बनाने की ऑनलाइन कोई भी प्रक्रिया नहीं है दोस्तों, जैसे कि आप अप्लाई कर सकते हो पैन कार्ड, आधार कार्ड के लिए ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इसको अप्लाई करने के लिए अभी तक कोई भी ऑनलाइन प्रोसीजर नहीं है, तो आपको ऑफलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा आपकी तहसील में जाके। अब इसका फॉर्मेट हम आपको बता दें कि ये सर्टिफिकेट कैसा दिखेगा और क्या होगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये सर्टिफिकेट है दोस्तों, ये मॉडल सर्टिफिकेट है एक, आपको इसी तरह का फॉर्म मिलेगा आपकी तहसील में, यहाँ पे लिखा है इनकमिंग इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाई इकोनॉमिकली बिकस सेक्शन। जो भी जनरल कैंडिडेट आते हैं इसमें उनको ये सर्टिफिकेट लेना है और फिल करना है, दिस इज टू बी सर्टिफाइड दैट आपका अपना नाम और सन एंड डॉटर ऑफ आपके मदर फादर का नाम, उसके बाद परमानेंट रेजिडेंस कहाँ के रहने वाले हो, विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, सबका पूरा डाटा आपको यहाँ पे भरना है। और आपको यहाँ पे ये भी लिखना है कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हो, और उसके बाद जो नीचे दिया है सिग्नेचर विद द सील ऑफ, यहाँ पे तहसीलदार या जो भी आपका ऑफिसर होगा वहाँ पे वो सील करेगा, यहाँ पे सिग्नेचर करेगा। तो दोस्तों आप आपको बता दें कि इसमें SC ST OBC और अदर जो भी है वो नहीं आएंगे, जैसे कि पर जनरल के जो रिजर्वेशन है वो वही आएंगे जो कि जनरल के कैंडिडेट है। ये एक डेमो सर्टिफिकेट है, आपको इसी तरह का सर्टिफिकेट फिल करना है, और यहाँ पे बॉटम में लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक फोटोग्राफ भी अपना पेस्ट करना है, आपको पूरी डिटेल इसमें फिल करनी है और तहसीलदार के पास जमा करवानी है। आपको इसी तरह का सर्टिफिकेट मिल जाएगा जो कि आप एडमिशन में और जो भी वैकेंसीज निकली हैं, आज भी वैकेंसीज निकली हैं जो कि पोस्ट ऑफिस में 757 वैकेंसीज हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं उसमें पूरी डिटेल, उसमें भी EWS के लिए स्पेशल वैकेंसीज हैं, तो इस सर्टिफिकेट के जरिए आप उसमें